फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। वापस क्यों भाग रही हो? गेट खोल के देखो ब्लॉग के लिए, मतलब तैयार हो क्या होगी? ब्लॉग में ऐसी नहीं होगी, सिंपल सिंपल नहीं होगी ब्लॉग में। देख रहे हो मम्मी को? अभी पता है क्या हुआ है? ये लो यस, पापा कहाँ गए? बंदर यहाँ से केले भी ले गया। ओ सुनो भाई साहब, भाई देखो गाइस, मैं बात करती रही तुझसे, प्लीज हाँ। यहाँ बंदर बैठा है। ओ मेरा दम निकल गया भाई, बंदर मम्मी के केले ले गया, मिक्सी का जग नीचे गिरा के चला गया। देखो देखो ओ भाई, मम्मी तुमने गेट खोल रखा था? ये गेट खुला छोड़ गई, तुमको मरिया मिला हुआ रहेगा। भाई देखो बंदर क्या करके गया है, मम्मी हमको पता भी नहीं चला। यही बैठ के खाया उसने, यहाँ के पास और यहाँ बैठ के लेके खा के और वहाँ से उठा के मैं जो पीछे मुड़ी, बंदर अंदर बैठा, अब क्या करूँ? देख के वैसे ट्यूजडे है मम्मी आज, पर मुझे बैठा अकेले, मैं तो अपना। अच्छा मम्मी ट्यूजडे को हनुमान जी भोग लगा के चले गए भाई, लो बंदर केले खा के चले गए और मम्मी के सारे सामान वामान इधर उधर करके चले गए। अम्बिया, ये मम्मी अचार बनाने वाली है तो उसके लिए मम्मी ने आम भी काटी है और उसको सुखाया है। ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना आम की, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये लाल मिर्ची पता नहीं किसने, मम्मी लाल मिर्ची किसमें डलेगी? ये अच्छा, ये अचार में सूखी लाल मिर्च डलती है। तो मम्मी घर में ही पीसती है लाल मिर्च, तब डालती है अचार में इसको, इसलिए मम्मी ने यहाँ पर पीस के और सुखा के रख दिया धूप में दोनों चीजें। और बाहर का व्यू है कुछ ऐसा, यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। मम्मी कुछ बोल रही थी, हाँ मम्मी बोलो क्या बोल रही थी? अचार की रेसिपी चाहिए तो मैं बता दूँ, तो अगर इफ़ यू वांट अचार रेसिपी तो यू कैन गेट बैक टू आवर चैनल, हम नया चैनल बना देंगे अचार के लिए, तो बता देना भाई यहाँ पे। अभी आज सिर्फ मम्मी और मैं ही हैं घर पे, हम लोग बाहर जाने वाले हैं थोड़ी देर में, थोड़ा थोड़ा काम छोटा छोटा। मौसम भी अच्छा है यार आज, मतलब धूप बहुत तेज नहीं है, एवरेज एवरेज है, इतनी धूप में मैं घूम सकती हूँ, अगर बहुत तेज धूप होती है तब मुझसे नहीं घूमा जाता है। फाइनली हमने कर लिया शॉपिंग और अभी हम लोग न्यू ईयर पे आए थे, काफी टाइम बाद वैसे मैं ऑनलाइन मंगाती रहती हूँ प्रोडक्ट्स। और हमारी हेल्प की, आपका नाम क्या है? काजल ने हेल्प की हमारी बहुत ज्यादा और इन्होंने भी किया सबने यार, बिग थैंक्स टू काजल। और ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिलाया है हमें प्रोडक्ट्स। सो भावना दीदी का पूरा फुल मेकअप वैनिटी बन गई है, ये तो मैंने तब बनाई थी, मेरी शादी हो रही थी, अब तो मैं कुछ कुछ चीजें मंगाती रहती हूँ ऑनलाइन। अच्छा एक्सपीरियंस रहा काफी, लेट्स सी प्रोडक्ट्स कैसे निकलते हैं भाई। कुछ चीजें हैं जो मैंने यूज नहीं की है इसमें से, अच्छा ये यहाँ पे भाई इन्होंने हमें डिस्काउंट में हेल्प की है, अच्छा ऑफर दिया, अच्छा डिस्काउंट दिया, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हो गया तेरा फाउंडेशन? सामान, ओ माय गॉड, सामान तेरा, मेकअप तेरा, टाइम मेरा, पता कितना कीमती है मेरा समय। चलो भाई हो गया तेरा मेकअप पूरा, कर लिया सामान खरीद लिया, उसके बाद लास्ट में पी रहे हैं जूस, मैं अनानास का, मम्मी गन्ने का, और मैं ब्लॉग ही नहीं कंटिन्यू कर पाई, भूल गई मैं बाहर आने के बाद, हम बहुत सारी जगह पे गए लेकिन मैं भूल गई, कोई बात नहीं यही देख लो फिलहाल। सो गाइस अभी मैं घर के लिए वापस निकल चुकी हूँ, आन में लेके आई थी एक बैग, लेके जा रही दो बैग, क्योंकि उसमें मेरा कुछ कुछ सामान है जो मैंने खरीदा है, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी अभी, क्योंकि मेरे को जिम के लिए लेट हो रहा है, 7 o'clock में जिम जाना है और ऑलमोस्ट 6 से भी ऊपर हो चुके हैं, तो जाके थोड़ा सा चेंज भी करना होगा और थोड़ा मतलब ऐसे तो कुछ मैं नहीं, प्रोटीन वगैरह कभी नहीं ले रही, बिकॉज इन्होंने मुझे मना किया है कि अभी स्टार्टिंग है तो कुछ दिन ऐसे ही वर्कआउट कर, फिर जब थोड़े दिन बाद हैबिचुअल हो जाएगी देन यू कैन टेक सम प्रोटीन और कुछ मतलब प्री वर्कआउट या कुछ भी। तो अभी फिलहाल तो मैं ऐसे ही जिम कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा ही ले लेती हूँ घर में, मतलब जूस वगैरह ले लिया या कुछ वैसे एनर्जी ड्रिंक पी ली कोई भी। सो अभी मैं रास्ते में हूँ, पहुँच जाऊँगी, 10 मिनट लगेंगे मेरे को, ज़्यादा से 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से मेरे घर का, जाके चेंज करके फिर मैं जाऊँगी जिम और उसके बाद वर्कआउट करूँगी, फिर आने के बाद स्ट्रीम भी करनी है, कल से वापस से ऑफिस, यार 2 दिन की छुट्टी अब खत्म हो चुकी है, तो फटाफट से घर पहुँच जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सोच रहे होंगे ना कि भाई ये ना तो ये रूम है ना ये कुछ है, तो कहाँ से इसने व्लॉग स्टार्ट कर दिया? मैं बता रहा हूँ भाई, देखो ये लोकेशन देख लो थोड़ी सी, क्योंकि एक कस्टमर के दो रूम होते हैं, मैं आया हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस कराने और काफ़ी टाइम बाद सर्विस कराना आया हूँ, ऑलमोस्ट लेट हो गया सर्विस को, तो दो रूम होते हैं कस्टमर्स के, ये वाला रूम एक दूसरे वाला रूम, दूसरे वाले रूम में टीवी वगैरह सब है, लेकिन इसमें ये मेरा फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज था, मेरे को चार्जिंग करनी थी, तो मैं इस वाले रूम में रुका हूँ, देखो यहाँ पे देख सकते हो, और ये इस वाले रूम से सीधा सर्विस का आपको यहाँ से दिख जाता है, ये देखो यहाँ देख रहे हो, ये पूरा दिख जाता है सर्विस स्टेशन यहाँ से, तो मैं इस वाले रूम में आके बैठती हूँ। तो भाई ये स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे सर्विस, गाड़ी की शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अभी देख लो इस पूरा आगे पीछे करके, एक बार तो पहले पूरा अलाइनमेंट होना है, उसके बाद इसका बोनट खुलेगा, पूरे ऑयलिंग वगैरह चेंज होगी जो भी हो रहा है। दूसरा रूम, क्योंकि मेरी गाड़ी सर्विस को जा चुकी है, यहाँ पे भी हम वेट कर सकते हैं, तो मतलब मैं यहाँ पे आ गया हूँ उस रूम से, क्योंकि मेरा फ़ोन भी चार्ज हो चुका है।
हालत हो रही है बहुत खराब, सुबह सुबह सो के उठा हूँ इसलिए। देख लो भाई क्या हिसाब किताब हो रहा है। मतलब सुबह सुबह एकदम 8 बजे में निकल गया घर से, नींद भी पूरी नहीं, 4 बजे सोया था। कराता हूँ सर्विस, देखते हैं क्या सीन होता है। अब सर्विस कराता हूँ, देखता हूँ कितना खर्चा आता है क्या सीन है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3-4 महीने लेट हो गए थे सर्विस को। टीवी की आवाज़ बहुत तेज कम कर देता हूँ, और अभी टोटल बिल मैं आपको बताऊँगा और विद पेपर की क्या क्या बुआ गाड़ी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे अलाइनमेंट पूरा देखा जा रहा है, पूरा चेक हो रहा है। तो गाइस मेरे को गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ रही है, गाड़ी का कोई सिलेंडर लीक है। अभी ना गाड़ी मैंने यहीं छोड़ दी, तो कल सुबह लूंगा। अभी मैंने ओला किया है, ओला का वेट कर रहा हूँ यार, पता नहीं कहाँ धूप में खड़ा हूँ। 5 मिनट हो गए मेरे को खड़े हुए, अब वो मतलब कम से कम 4 या 5 घंटे बता रहे थे, फिर वो बोल रहे थे कि काम करेंगे, तसल्ली से काम करेंगे। तो मैंने गाड़ी यहाँ पे छोड़ दी है, अब मैं जाऊँगा ओला से। अब इतने स्ट्रगल के बाद मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं बाहर खड़ा था, पहले मेरी ओला कैंसिल कर दी ओला वाले ने, ये सुन के कि किसका तो घर पास ही है। जो दूसरे वाले ओला वाला था भाई, वो बहुत अच्छा बंदा था, और मतलब काफ़ी देर तक मतलब हम बात ही करते आए थे गाड़ियों के बारे में। मतलब टाइम पास हो जाता है जब इंडियन मिल जाते हैं। पहले वाले ने कैंसिल कर दी, दूसरे वाला बहुत अच्छा था, तो ओला का एक्सपीरियंस भी बढ़िया था, सो कोई दिक्कत हुई। घर आया और तुम लोग जानते हो कि भाई नींद में ही था मैं, जब गया था सर्विस स्टेशन पे आगे सो गया, और जस्ट अभी उठ के तुम्हारे लिए ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अब जा रहा हूँ पीटी देने इंदिरापुरम वापस से, उसके बाद वापस आऊँगा फिर स्ट्रीम करूँगा। तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है यार, टाइम मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। और अभी फ़ोन मेरा मतलब धीरे धीरे ख़राब हो ही रहा है, तो फ़ोन का भी देख रहा हूँ यार, फ़ोन लेना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे घूमने जाना है, और घूमने कोई ऐसी वैसी जगह नहीं जाना, घूमने जाना है एक अलग जगह। मतलब सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, ऐसी जगह घूमने का मैं प्लान कर रहा हूँ, ताकि जो व्लॉग आपको डिफरेंट देखने के लिए मिले काफ़ी। ये नहीं कि इधर कभी मसूरी कभी मनाली, ऐसी जगह नहीं जाना मेरे को। अब मुझे थोड़ी अलग सी जगह जाना है, तो यार उस अलग सी जगह में भाई रोकड़ा लगेगा क्याड़ा, ठीक है। तो फ़ोन भी मेरा लाख का आएगा, जगह का हिसाब भी कुछ ऐसी बैठता है, तो भी देखते हैं कि फ़ोन कहाँ से लेना है, कब लेना है। और क्योंकि ये फ़ोन बहुत दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम ये कर रहा है कि इसने इस टाइम पे है ना धोखा दे दिया फ़ोन ने। अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इस महीने से धोखा दे दिया है, तो उसका करते हैं कुछ जुगाड़। हाँ, गाड़ी में हुआ ये कि गाड़ी का जो मेरा पिछली बारी जो डिग्गी थी, मैं अपने दोस्त की एक शादी में गया था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गरम रिफाइंड जो होता है, सगाई में गया हुआ था तो उनका कोई रिफाइंड बचा होगा, उन्होंने मेरी गाड़ी में रख दिया और रिफाइंड, और उसमें ढक्कन की जगह न्यूज़पेपर ठूसे हुए थे। तो हुआ ये कि ब्रेकर पे गाड़ी गई होगी, ठीक है, हल्की सी गदगियों में जैसे जाती है, और भाई वो बिखर गया गर्म रिफाइंड पूरा पीछे गाड़ी के, और पूरी गाड़ी में बैठते ऐसी मैं कर रही कोई पराठे बना रहा है, मतलब रुका नहीं जा रहा गाड़ी में, रबड़ गल गई अंदर की पूरी उस गर्म रिफाइंड से ना। तो अभी जब मैं सर्विस को देके आया था, मैंने सबसे पहले वो दिखाया है, बहुत सारी चीज़ थी, बहुत सारे फिल्टर, मतलब बहुत सारे ऑयल चेंज हुए हैं गाड़ी के, और फिल्टर वगैरह पूरा साफ़ हुआ है सब कुछ। और बाकी क्लच के साइड से ना बार बार एक तेल सा निकल रहा था, तो मैंने देखा यार तेल तो पीछे गिरा था, तो एक क्लच के साइड से क्या निकल रहा है, तो उन्होंने बताया कि एक फ़िल्टर है वो लीक है, ठीक है। मतलब बहुत ही माइनर सी प्रॉब्लम है, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक फ़िल्टर लीक है और उसमें लगेंगे कम से कम 5 से 6 घंटे। मैंने कहा यार 5 से 6 घंटे, ऑलरेडी मैं 3 घंटे बैठ चुका हूँ, 5 से 6 मेरे बस की नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इस काम को मैं काम करते हैं तसल्ली से करते हैं, वो जानने वाले थे अपने कि तसल्ली से करते हैं, आप गाड़ी कल ले जाना। तो मैं गाड़ी खड़ी करके आ गया वहाँ पे, और गाड़ी अब मैं कल लेने जाऊँगा। तो अब जो मिलूँगा मैं आपको मिलूँगा अपने अगले व्लॉग में, अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे जाना है इंदिरापुरम पीटी देने, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। कल व्लॉग कंटिन्यू करके आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सीन है गाड़ी का, कितना रुपए खर्चा आया और क्या क्या चेंज हुआ। खर्चा तो आएगा, देखो जो बात है, ये 3rd सर्विस है और 12,000 मेरी गाड़ी अभी चली है बस, लेकिन खर्चा इस बार तगड़ा आएगा जिस हिसाब से, मतलब उसने लिखी है ना चिट्ठी इतनी लंबी, अच्छा खासा खर्चा आने वाला है। तो देखते हैं, बाकी कल मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा विद पूरा पेपर, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। जिंदगी में खर्चे खर्चे आ रहे हैं, भगवान मुझे हराम का पैसा दे दो, मैं घूमना चाहता हूँ। चलो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।